हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000, जिन्हें आप लोग अभी के टाइम में बाय कर सकते हो। अगर हाईलाइट फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको वर्ल्ड फर्स्ट 60 मेगापिक्सल OIS सेल्फी कैमरा मिलता है, 8GB की बिग रैम दी गई है, 108 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है और 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन आता है मेरी लिस्ट में, वो है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 020। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री का इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक खास फीचर मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अलावा डिजाइन, डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग ये भी जबरदस्त मिलते हैं। दोस्तों, ये 8GB प्लस 128GB सिंगल वेरिएंट से आता है। इस फोन में दिया गया है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच। ये 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास मिलती है, बट पंचोल होता तो ज़्यादा बेटर होता। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन दिया गया है विद मैट फिनिश। इसके अलावा ट्रबल कैमरास मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 60 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है विद OIS। जी हाँ, ये इस फीचर के साथ इकलौता स्मार्टफोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। यानी कि दोस्तों, कैमरा क्वालिटी सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको कमाल की मिल जाती है। दोस्तों, इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Helio G99, जो कि MediaTek का न्यू लेटेस्ट है और ये 6nm पर बना हुआ है। हालांकि 4G सपोर्टेड है, बट गेमिंग आप यहाँ से अच्छी खासी कर पाओगे। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि XOS 12 पर बेस्ड है। इस फोन में 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है फिलहाल 15,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इजीली आप इस फोन को 15,000 के लगभग डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटरोला की तरफ से, मोटो G72। अगर दोस्तों यहाँ पर आप एक फीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो यकीन मानो, इस फोन के अंदर आपको ओवरऑल फीचर्स टॉप नॉच मिलते हैं, आपको निराश नहीं करेंगे। इस फोन में जो फीचर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, ये इस सेगमेंट में किसी भी फोन में नहीं मिलता है। दोस्तों, ये 6GB प्लस 128GB सिंगल वेरियंट से आता है। इस फोन में दिया गया है 6.53 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और ये 10 बिट का पैनल है। यानी कि दोस्तों, कलर से आपको काफी पंची और एक्यूरेट मिलते हैं, यूज करने में आपको काफी मजा आने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले टॉप नॉच दी गई है। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है मैट फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ। इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसके रियर कैमरा से 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, आपको अच्छा खासा कैमरा एक्सपीरियंस ये देने वाला है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Helio G99, जो कि अगेन 4G सपोर्टेड है, 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। तो इसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर आप कर लेते हो तो बाकी फीचर्स नो डाउट टॉप नॉच दिए गए हैं। ये 6nm पर बना हुआ है, हालांकि काफ़ी पावर एफिशिएंट है, लंबा बैटरी बैकअप आपको ये देगा। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि प्योर स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि क्लीन UI। इसमें आपको कोई भी एड्स, ब्लॉटवेयर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इससे आपका डे टू डे यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होता है।
इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5 mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी प्राइस है 14999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को सिर्फ 14000 रुपये में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T1 5G। ये 4GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट से आता है और इस फोन में दिया गया है 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो लेंस दिए गए हैं। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695, 5G को सपोर्ट करता है, ऑलरेडी 6nm पर बना हुआ है और ये बजट सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर है। पावरफुल भी है, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स के अंदर ये चिपसेट यूज किया गया है, तो नो डाउट इस सेगमेंट में गेमिंग आप यहाँ से तगड़ी कर सकते हो। इस फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 12 पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और सिंगल स्पीकर मिल जाएगा। दोस्तों ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 15990, 16000 रुपये में डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। 4GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट से आता है और इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी प्रेस के अकॉर्डिंग डिसेंट दी गई है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका कैमरा दोस्तों जबरदस्त परफॉर्म करता है, साथ ही साथ आप यहां से 4K में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कैमरा आपको टॉप नॉच दिया गया है। दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G, 5G है, ऑलरेडी 8nm पर बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, बट अभी भी बजट के अंदर गेमिंग आप यहां से तगड़ी कर पाओगे। इस फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि One UI 4.1 पर बेस्ड है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग भी दी गई है। यहां पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। दोस्तों ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 15999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको ये सिर्फ 15000 रुपये में डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X4 Pro 5G। ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, बाहर से अंदर तक आपको सब कुछ कमाल का मिलता है। 6GB प्लस 64GB बेस वेरिएंट से आता है और इसमें दिया गया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल और ये 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास मिलती है। रियर साइड में ग्लास दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695।
इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। बाय करते ही एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 15,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको ये सिर्फ 14,500 रुपये में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइस ये थे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।